हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय एजुकेशन वायर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नई चीज़ें, कुछ जैसे हो गया भारत की सबसे बड़ी रसोई कहाँ है, और इसी तरह टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो हम जान लेते हैं भारत की सबसे बड़ी रसोई। भारत की सबसे बड़ी रसोई, भारत की सबसे बड़ी रसोई कहाँ है, और कितना खाना बनाते हैं, ये सब यही सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। भारत की सबसे बड़ी रसोई कहाँ स्थित है, इसे अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता है। अक्षय पात्र रसोई घर। अक्षय पात्र रसोई घर भारत की सबसे बड़ी रसोई घर है। अक्षय पात्र जो है रसोई घर भारत की सबसे बड़ी रसोई घर है। इस रसोई में कम से कम कितना, राजस्थान के 500 स्कूलों का लंच तैयार किया जाता है। राजस्थान के 500 स्कूलों का लंच तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? लंच तैयार किया जाता है। लंच तैयार किया जाता है 500 स्कूलों का लंच तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र कहाँ स्थित है, ये चीज़ जानेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र कहाँ स्थित है और कब स्थापना हुई, ये सब चीज़ें। सबसे पहले इसको कहाँ खोला गया था? गुजरात के अहमदाबाद में खोला गया था। इसी तरह टॉपिक हैं जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जैसे यूपी पुलिस में अब इसी तरह के जीके क्वेश्चन आएंगे। फ्रांस देश को किसानों का देश कहा जाता है, यूरोप के फ्रांस देश को किसानों का देश कहा जाता है, ये भी एक टॉपिक हो गया। यूरोप के फ्रांस देश को क्या कहा जाता है? किसानों का, यूरोप के फ्रांस देश को किसानों का भी देश कहा जाता है। और जो नोट हमारी बनती है, नोट, सबसे पहले नोट का कागज कहाँ से आता था? विदेशों से आता था, लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ कागज खुद बनाया जाता है। इसका काम किसने किया था? मेक इन इंडिया ने ये काम जारी किया था, जो विदेशों से ना आके यहीं अपने इंडिया में ही नोट वाला कागज जो है बनाया जाता है। ऐसे हो गया, कहाँ बनता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। नोटों का कागज बनाया जाता है। पहले नोटों का कागज छापने लिए कहाँ से आते थे? पहले नोटों को छापने के लिए कागज जो होता था कहाँ से आता था? विदेशों से आता था। लेकिन फिर क्या, यह काम किसने किया था? यह काम मेक इन इंडिया ने किया था। जय हिंद दोस्तों, को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।